वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपने सबसे पहले ये कोहन सदरलैंड की एग्जाम्पल है, सबसे पहले आपने करना क्या है कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर डिफाइन है टू एंड माइनस टू, ये टू रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को एंड माइनस टू रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। अपर लेफ्ट कॉर्नर में फाइव फॉर एक्स एक्सिस, थ्री फॉर वाई एक्सिस। सो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो आपने प्लॉट भी खुद ही करना है। टू एक्स की वैल्यू पे पॉइंट ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, बट किस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस टू वाई वैल्यू भी देखनी है। इसी तरह से एक्स की वैल्यू मैंने फाइव देखी एंड वाई की वैल्यू हम लोगों ने थ्री जज की, तो इससे हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट ड्रॉ हुआ जिसको यूज़ करते हुए मैंने ये कैनवस की क्लिपिंग विंडो ड्रॉ की है। देन लाइन पॉइंट पी वन इज इक्वल टू जीरो 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 यहाँ पर लाई करेगा एंड पॉइंट पी टू फोर टू फॉर एक्स। एक्स के लिए मेरे पास, एक्स के लिए मेरे पास वैल्यू फोर है एंड वाई के लिए मेरे पास वैल्यू टू है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पी टू पॉइंट हमारे पास ये ड्राइव होगा। देन फाइंड किस तरह से करनी है फर्दर वैल्यूज़ को, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ये जो एक्स मिनिमम है ये आपने चूज़ करना है कैनवस के पॉइंट्स में से। लोअर लेफ्ट एंड अपर लेफ्ट बेसिकली आपके पास कैनवस के पॉइंट्स हैं। एक्स मिनिमम टू, वाई मिनिमम माइनस टू, एक्स मैक्सिमम फाइव, वाई मैक्सिमम थ्री। देन स्लोप यूज़ होगा, स्लोप एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, ये इक्वेशन यूज़ होगी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए। वाई टू बेसिकली आपके पास क्या है, वाई टू आपके पास टू है, वाई वन आपके पास ज़ीरो है, एक्स टू आपके पास फोर है एंड एक्स वन आपके पास ज़ीरो है। सो इसको डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास वन ओवर टू आएगा। नेक्स्ट हमने ये चेक करना है कि ये किस एच पे कट करेगा। सो पी वन कट्स एट द लेफ्ट एच, लेफ्ट एच पे जब ये कट कर रहा है तो आप यहाँ पे देखो तो एक्स कॉन्स्टेंट है, वाई कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, हम अगर यहाँ पे देखें तो एक्स हमारे पास कांस्टेंट है, वाई कंटिन्यूसली हमारे पास चेंज हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इज़ कांस्टेंट एंड वाई चेंज। सो जो चेंज हो रहा होता है बेसिकली हमें वो कंप्यूट करना पड़ता है। टू रिप्रेजेंट करेगा कैनवस के एक्स के मिनिमम पॉइंट को, सो वी हैव टू कंप्यूट द वाई पॉइंट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैनवस के पॉइंट से फाइंड आउट होगा हमारे पास। नेक्स्ट y की ये इक्वेशन किस तरह से हम यूज़ करेंगे, ये हम लोगों ने डिसाइड किस तरह से करना है, जिस तरह से पहले मैंने एल्गोरिदम में बताया था कि कैनवस के लेफ्ट एज के लिए, राइट एज के लिए, बॉटम एंड टॉप एज के लिए सेपरेट इक्वेशंस हैं। सो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है लेफ्ट एज के लिए, तो हम सबसे पहले लेफ्ट एज के लिए इक्वेशन देखेंगे। सो मैंने पहले जब करवाया था तो उसमें लेफ्ट एज की इक्वेशन क्या थी, अगर आप देखें तो कंपेयर करें, y इक्वल्स टू m x मिनिमम माइनस x1 प्लस y1, सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पे राइट कर दी है। इसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो m हमारे पास 1 ओवर 2 आया था, m की जगह 1 ओवर 2 पुट किया, x मिनिमम 2, वैल्यूज सारी पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 कंप्यूट हो जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने पॉइंट यूज़ किया है 0 0, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट यूज़ किया है 0 0। अगर आप देखो तो x1 के लिए भी 0 पुट किया है एंड y1 के लिए भी 0 पुट किया है, बट आपके पास एक p1 था एंड सेकेंडली आपके पास पी टू पॉइंट भी है, तो आप अगर पी वन पॉइंट को इनपुट करके कंप्यूट करें आंसर वही आएगा जो आप पी टू पॉइंट को इनपुट करके कंप्यूट करेंगे। तो मैं आपको ये करके भी दिखा दूँ। सो अगर मैं सेकेंड पॉइंट को कंसीडर करूँ विच इज़ फोर टू, फोर एक्स एंड टू वाई, सेम इक्वेशन में मैं अगर यही दो पॉइंट्स कंप्यूट करूँगी तो मेरे पास आंसर में वन ही आता है। सो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू आ चुकी है एंड एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या है, टू। सो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पी वन प्राइम, पी वन प्राइम बेसिकली वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो हम लोगों ने फाइंड किया है, टू। एंड सेकेंड वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है यहाँ पे, वन। एक्स मेरे पास क्या है, टू है एंड वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, वन है। सो अगर हम यहाँ पे इसको प्लॉट करके भी चेक करें तो मेरे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, टू एंड वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वन यहाँ पे। सो यहाँ पे ये वो पॉइंट है जिसने बेसिकली इंटरसेक्ट किया है एच को, कैनवस को, बेसिकली लाइन के पॉइंट ने इंटरसेक्ट किया है कैनवस के एच को। सो ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो हमारे पास ये जो रीजन है ये एक्सेप्टेड रीजन है एंड ये हमारे पास जो रीजन है ये रिजेक्टेड है, ये एक्सेप्टेड एंड दिस रीजन इज रिजेक्टेड रीजन। इस तरह से ये एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके पास कोई और पॉइंट है तो आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो।